फर्जी एफआईआर लिखा गया है और संगीन अपराध में हो, तो उसमें नाम डाल दिया तो भाई उसके साथ जो अपराध हुआ है वो संगीन है, उसमें आपकी गिरफ्तारी होगी बिना आपको वारंट दिखाए। छोटे मोटे अपराध नॉन कॉग्निजिबल में आप पुलिस से मांग सकते हैं वारंट, लेकिन कॉग्निजिबल में पुलिस वारंट नहीं दिखाएगी, उठा ले जाएगी एफआईआर हो गया है तो। उसने तो उसके मारपीट हुआ है लेकिन आप नहीं थे, आपकी दुश्मनी थी, आपकी जलता था तो आपका नाम दे दिया उसमें, तो वो फर्जी एफआईआर है, तो अब आपको पुलिस खोजने लगेगी, उठा ले जाएगी, तो आपको गिरफ्तारी का खतरा हो गया है। तो इसके लिए क्या कहिए, आप अपने किसी संबंधी को, पिताजी या किसी को भी, आप डीएसपी ऑफिस या फिर एसपी ऑफिस में ले जाइए, वहां आप दस्तावेज दीजिए, प्रूफ दीजिए कि हाँ सर ये जिस समय घटना हुई थी वो इस समय नहीं थे। आप अगर नहीं इन्वॉल्व थे तो कोई ना कोई तो प्रूफ होगा ही आपके पास कि उस समय हम यहाँ थे। मान लीजिए आप किसी दोस्त के पास थे तो उस दोस्त को ले जाके आप अपने पिताजी के साथ या किसी दूसरे के साथ इन लोग के पास भेजिए, ही ना कि अपने चल जाए, साहब हम नहीं थे, तो उठा के डाल देगा सभी, सब अपने में मिले जाते हैं सर। तो इन लोग को आप ले जाके कह सकते हैं, एसपी बहुत अच्छा से सुनते हैं क्योंकि एसपी को खरीदना बहुत बड़ा, वो बहुत बड़े बड़े लोग का, फिर यहाँ मंत्री उंत्री लोग का सोर्स चलता है एसपी के पास, नॉर्मल आदमी का नहीं चल पाता। तो ये आपकी बात को सुन सकते हैं, और इन लोग के पास, दोनों लोग के पास ऑर्डर होता है कि नो अरेस्टिंग का आदेश जारी कर सकते हैं, अभी इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाए। लेकिन अगर मान लिया कि ये लोग भी अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तब क्या कीजिएगा, तब आप चले जाइए एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। आप अगर गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो आप वकील को करिए, तुरंत अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंट्री सेपरेटरी बेल, जिसे कहते हैं अग्रिम जमानत, ले लीजिए। हमारे ऊपर भी कई जना लोग ने फर्जी एफआईआर कर दिया, कोचिंग में पढ़ाते रहते हैं तो उल्टा सीधा काम कर देता है सर, फर्जी एफआईआर लिख दिया, एफआईआर हो गया मेरे नाम पे, पुलिस आई गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस करिए खान साहब हम आपको गिरफ्तार करेंगे, हम कहें मत करिए महाराज, हम लेके चलाते हैं एंट्री सेपरेटरी, तो कहें ठीक है जाइए लेते हैं। तो देखिए पुलिस को भी पता है कि कौन क्राइम किया है कौन नहीं किया, खुद पुलिस बोल लेते कि आप लेते हैं यहाँ पे। तो हम गए वहाँ पे, देखिए हमारा ही फोटो है, शायद यही कपड़ा भी पहने क्या, नहीं दूसरा है, मिलता जुलता है। तो वहाँ पुलिस के वहाँ गए कोर्ट के पास, तो जज पता है, देखिए कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता है, सब समझता है। तो हमको एंट्री सेपरेटरी बेल दे दिए, तो हम एंट्री सेपरेटरी बेल लेके आ जाएंगे ना, अब पुलिस के सामने घूमते रहेंगे तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती हमको, अब पुलिस केवल सबूत इकट्ठा करेगी या जज को दे देगी, वहाँ पर एंट्री सेपरेटरी बेल आपके पास रहना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि आप एंट्री सेपरेटरी बेल भी नहीं लिए हैं, आप पुलिस डीएसपी एसपी भी आपकी बात नहीं सुने, आप कहीं घूम रहे हैं, आपको पुलिस पकड़ लेगी, अब तो डाल देगी जेल में, जब जेल में डाल देगी तो उसको, उसके लिए भी आपको बेल लेना पड़ेगा, आप उसके लिए भी बेल ले सकते हैं, उसे कहते हैं रेगुलर बेल, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, एंटीसिपेटरी आसान होता है, तुरंत मिल जाता है, भाई साहब हम नहीं किए हैं, जज साहब हमको थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपको हम जब तक हम अपनी बेगुनाही का सबूत आपके पास लाएंगे, तो आपको जो है ना बेल आराम से मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद ना आप बेल मिल जाना मतलब ये कहाँ का नियम है कि आप निर्दोष है, नमोत आपका अभी भी है, बस बेल का मतलब कि इसे गिरफ्तार मत कीजिएगा, कोर्ट आदेश दे देती है। अब आपको साबित करना पड़ेगा कि नहीं ये फर्जी एफआईआर है, तो इसके लिए दो रास्ते, आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए कि देख भाई हमको काहे लिए फंसा रहा है, उल्टा सीधा हम नहीं थे, कभी कभी अज्ञानता में भी लोग जब किसी को मार धाड़ कर दीजिएगा तो बहुत गुस्सा में रहता है, जो मिलेगा